हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं हमारे यहाँ के छोटे से पार्क में। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है। ये जो है यहाँ पे पीछे की तरफ जो है वो ये जो कार लगी है वहाँ पर एंट्री का गेट है, और उस तरफ भी एक एंट्री का गेट है। अभी मैं आपको का छोटा सा टूर दूँगा, आप इसको इंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना। ये रहा गेट, और यहाँ पे दरख्तों की छोटी छोटी क्यारियाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल सी है, और यहाँ पे बहुत सारे दरख्त है। और यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का छोटा सा पुतला भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको करीब से भी दिखाऊंगा। अब यहाँ से देखिए, अभी हम इसके करीब जाएँगे। और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि झूला है, और दरख्तों को कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ है। अब ये देखते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के जा रहे हैं। वहाँ पर हम देखते लिखा हुआ भी है कुछ, तो वहाँ पर फूलों की ब्यूटीफुल सी लड़ी लगी हुई है, ये देख रहे हैं। अभी जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का छोटा सा पुतला रखा हुआ है। उनके गले में भी ब्यूटीफुल सा हार रखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ तो लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो अगरबत्ती लगाने, ये देखिए अगरबत्ती लगाने के लिए रखा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ तो लिखा हुआ है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा फूलों की लड़ी लगी हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर भी बहुत सारी क्यारियाँ है। ये जो देख रहे हो जो है वो यहाँ एक कचरा फेंकने की जगह है। ये जो है वो ब्यूटीफुल सा दरख्त है इसका, ये देखिए एक कांटे की तरह है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर भी ब्यूटीफुल सी क्यारियाँ लगी हुई है। दरख्त एमोजी बना हुए, ये देखिए ब्यूटीफुल सी एमोजी बनाई हुई। और हमारे बैक साइड में शिवाजी महाराज का पुतला भी है, ये देखिए। ये देखिए शिवाजी महाराज का पुतला, ब्यूटीफुल सा है, लाल कलर में। अभी हम देखते हैं वहाँ पर गार्डन में, फिर बैठने के लिए बेंचेस भी रखे हुए हैं, और ये जो है झूला है बच्चों के लिए। देख सकते हैं जो है खेलने के लिए बच्चों को। यहाँ पर ये पेंट किया हुआ है दरख्तों पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 या 10 मिनट पहले यहाँ पर कोई नहीं था, और अभी यहाँ पर बहुत लोग आ चुके हैं, ये देखिए। और यहाँ पर एक जिराफ भी है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक जिराफ भी है। और यहाँ पर देखिए खेलने के लिए कितनी सारी चीज़ें, बच्चे से भी पूरा गार्डन भर चुका है। अभी आहिस्ता आहिस्ता और बच्चे आएँगे, वे शाम में, जिसे हमें हमारे यहाँ पे ऐसे गार्डन कहते हैं, शाम में 4 बजे ओपन होता है, और शाम के 7-8 बजे तक रहता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे दरख्तों का कलर किया हुआ है, ऑलमोस्ट दरख्तों का कलर किया ही हुआ है, ये देखिए इसको किया हुआ है। वहाँ पर भी देख सकते हैं आप इसको कलर किया हुआ है, और वहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। यहाँ पर कितने सारे अच्छे अच्छे खेलने के लिए चीज़ें, जगह अच्छी है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कितने साल की उम्र बच्चे, कितने साल की उम्र के बच्चे खेल सकते हैं इसे। मैं आपको दूर, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको दूर से बता रहा था वो यही दरख्त है, तो देख सकते आपको कहा था कलर किए हुए। यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल से लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हार्ट बनाए हुए हैं,
आ रहे जा रहे। ये जो है बच्चों के लिए चीज़ें, ये सब के लिए चीज़ें, ये सब बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें। यहाँ पर बच्चे शाम के वक्त में आते हैं, चार बजे की बात, और खेल के दो चार घंटे खेल कर चले जाते हैं। यहाँ पर कोई फीस वीस वगैरह का कुछ नहीं है, तो इस फ्री में आओ और खेल कर चले जाओ। ये देखिए दोस्तों, जरा कितना लंबा चौड़ा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 से 10 साल के बच्चे इसमें बच सकते हैं। यहाँ पर झूला झूल रहे हैं, गोल गोल घूम रही है। ये देखिए वहाँ पर दो बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं चढ़ने के लिए। ये देखिए अभी उतर रहा है शायद। ये देखिए बच्ची हंस रही है, बहुत ज़्यादा आपको खुशी हो रही है, गोल घूम रही है।